सब्सक्राइब कीजिए दावत खाना को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम पीपर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोहर्रम स्पेशल आटे के लड्डू। बहुत सी जगह इसे चूरमा लाडू भी कहा जाता है। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होंगे। तो फिर चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 कप आटा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप चने का आटा यानी कि बेसन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो स्किप कर दें। अब यहाँ पे हम इसे मौन देंगे, तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, लेकिन अभी हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच ही ऐड करेंगे। जब इसमें हमें ज़रूरत लगेगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और हाथों से इसे अच्छे से रफ करें और इसे आप अच्छे से मौन दे दें। तो ये देखिए मौन बहुत ही अच्छे से हो चुका है, मुट्ठी में अच्छे से सिमट आता है, तो हमारा 1 चम्मच ऑयल बच चुका है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और हमारे डो को तैयार कर लेंगे। लेकिन आप एक बात का ज़रूर ध्यान दें, इसे जब भी आप डो को बनाएं तब हाथों से आप सख्त हाथों से ही बनाएं, वरना आपका जो डो है वो लूज़ हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सख्त हाथों से ही इसे डो को तैयार करें। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएँ और इसे अच्छे से डो तैयार कर लें। तो डो हमारा ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सख्त भी नहीं, बिल्कुल मीडियम सा डो हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने डो अच्छे से तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़े थोड़े से पार्ट लेंगे और इसे हाथों से इस तरह से मुट्ठी का शेप दे देंगे और फिंगर से इसे इस तरह से दबा देंगे ताकि अच्छे से अंदर तक, जब भी हम इसे फ्राई करें तो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। आप वैसे भी कोई भी शेप दे सकते हैं और कैसे भी इसे मुठियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से हमने सारे मुट्ठी बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो मुट्ठी हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल को यहाँ पे मैंने साइड में अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम 1 by 1 सभी मुट्ठी को इसमें ऐड कर देंगे और हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू स्लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर इसे कुक नहीं करना, वरना ये ऊपर से तो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, तो हमारा जो टेस्ट है लड्डू का वो बिगड़ सकता है। तो आप में आँच को बिल्कुल ही मीडियम रखें। तो मुट्ठी हमारे वन साइड फ्राई होने में 1 से 1.5 मिनट लग जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा वन साइड का मुठिया जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे। तो इसी तरह से आप इसे चलाते जाए और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे आप फ्राई कर लें। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी मुट्ठी का जो कलर है वो भी अच्छे से चेंज हो चुका है। तो बस यही परफेक्ट कलर है और इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना, वरना हमारा जो टेस्ट है वो बिगड़ सकता है। तो आप बस सभी मुट्ठी को ऑयल से निकाल लें। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और ये हमारे सभी मुट्ठी फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे रख लेंगे साइड पर। तो देखिए मुठिया अब हमारे थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये टूट जाते हैं, बहुत ही अच्छा सा हमारा मौन इसमें हुआ है। तो देखिए इस तरह से, तो सभी मुठिया को मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक मिक्सी जार लेंगे और इसके अंदर हम सभी मुठिया के पीसीस को ऐड कर देंगे और इसे चला लेंगे। तो मिक्सी मैंने चला लिया है और सभी मुठिया को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए इसी तरह का लड्डू का बैटर हमने तैयार कर लिया है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं कि बैटर कितना अच्छा बना है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल ही बारीक और बिल्कुल मुट्ठी में सिमट आता है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप आटा लिया था, तो मैंने 1/2 कप इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें तगार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर को हाथों से अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 छोटे चम्मच इलायची पाउडर और इसमें काजू और बादाम 1-1 चम्मच मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने रोस्टेड तल यानी कि थोड़ा सा मैंने इसे सेक लिया था। और यहाँ पे मैंने किशमिश ऐड किया है 1 चम्मच और नारियल का बुरादा 1 चम्मच।
अब इसके अंदर फाइनल जो आ रहा है वो घी है 2 बड़े चम्मच, जिसे मैंने थोड़ा सा गर्म किया है। आप जब भी घी का इस्तेमाल करें तो गुनगुना करके ही इसमें ऐड करें, ठंडा घी का इस्तेमाल ना करें। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो लड्डू है वो परफेक्ट और बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं, इसे लड्डू बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। तो ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हाथों में थोड़ा सा इस तरह से बेच लें और इस तरह से दोनों से हाथों से दबाते हुए आप लड्डू तैयार कर लें। आप चाहें तो छोटे बना लें या फिर बड़े बना लें, आपको जैसे भी मन चाहता है आप इसे लड्डू तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लड्डू नहीं भी तैयार करने तो आप वैसे भी इसको सर्व कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से मैं सभी लड्डू को बनाकर रेडी कर लूँगी। और अगर आप लड्डू नहीं मलिदा बनाना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, और इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी जाकर क्लिक करके देख सकते हैं और मज़ेदार मलिदा और लड्डू दोनों ही बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से देखते ही देखते हमारे सभी लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं इसे सर्व। तो देखिए विवास रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही बेहतरीन आटे के लड्डू। आप इस मुहर्रम पे इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो देखा आपने, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इस बैटर से 8 से 10 लड्डू आराम से बना सकते हैं। अब हम इसे गार्निशिंग कर देंगे पिस्ता के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई और इसी तरह की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।